लड़ाई इन तीन काले कानूनों के साथ साथ सत्ता, बिकाऊ मीडिया, ढेरों गलत जानकारियां और हाड़ पिघलाती सर्दी से भी है। यकीन मानना, अगर आज मैं यहाँ पर नहीं आती तो मैं मेरे पापा को बार बार शर्मिंदा करती कि मैं तो छोटी बच्ची थी, अकेले सफर नहीं कर सकती थी। लेकिन आप तो खुद एक किसान हो, आप क्यों नहीं गए? कीमत छेड़ किसान को, कीमत छेड़ किसान को, लड़ना मुश्किल होगा वरना ऐसा लिखेंगे इतिहास कि पढ़ना मुश्किल होगा। यहाँ पर उपस्थित सभी किसान योद्धाओं, माताओं, बहनों को मैं दिल की गहराइयों से सलाम करती हूँ। आज इस किसान महाभारत को एक महीने से अधिक वक्त बीत चुका है। किसान इन सरहदों पर डटा हुआ है। ये सरहदें गुरुओं की सरहदें हैं, ये सरहदें दादा छोटू राम की सरहदें हैं, ये सरहदें चौधरी चरण सिंह की सरहदें हैं, ये सरहदें ताऊ देवी लाल की सरहदें हैं, ये सरहदें बाबा टिकैत की सरहदें हैं, ये सरहदें संसद को घेरे किसानों के वजूद की सरहदें हैं। इन सरहदों में इतनी ताकत है कि आपकी इस छोटी बेटी को मध्य प्रदेश से यहाँ आना पड़ा। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग जला कर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। यह आंदोलन कोई छोटा मोटा आंदोलन नहीं है, ये एक ऐतिहासिक वक्त का निर्माण हो रहा है। इस वक्त आकर किसानों के बीच सड़कों पर ना बैठा तो आने वाले वक्त में उनकी औलादें पूछेगी कि क्या उस आंदोलन के समर्थन में सड़कों पर बैठे थे या नहीं बैठे थे। हमारे इस किसान आंदोलन ने पूरी दुनिया में एक मिसाल कायम की है। दुनिया हैरान है, इतना बड़ा मानव समूह शांतिपूर्ण तरीके से अनुशासन के साथ आंदोलन कर रहा है। यहाँ तो चप्पे चप्पे पर लंगर चल रहे हैं, सड़कों पर लाइब्रेरी खुली है, बच्चे पढ़ रहे हैं, गीत संगीत बज रहे हैं, बुजुर्ग कुश्ती लड़ रहे हैं और इन सड़कों पर बुजुर्गों के बड़े बड़े कच्चे भी सूख रहे हैं। माताओं के चूल्हे भी इन सड़कों पर पक्के हो रहे हैं। होश में आ जाए हुकूमत, होश में आ जाए हुकूमत, तेरे घर कच्चे हो रहे हैं, तेरे घर कच्चे हो रहे हैं। यकीन मानना, अगर आज मैं यहाँ पर नहीं आती तो मैं मेरे पापा को बार बार शर्मिंदा करती कि मैं तो छोटी बच्ची थी, अकेले सफर नहीं कर सकती थी। लेकिन आप तो खुद एक किसान हो, आप क्यों नहीं गए? लेकिन मेरे पापा हमेशा जमीन से जुड़े मुद्दों के लिए आगे रहते हैं। पापा कहाँ हो आप? अच्छा हुआ कि आज आप मुझे यहाँ लेके आ गए और मेरे भविष्य के सवालों से बच गए, क्योंकि जब इस आंदोलन का इतिहास लिखा जाएगा तो कहा जाएगा कि लहू में भीगे तमाम मौसम गवाही देंगे कि तुम खड़े थे। वफा के रास्ते का हर मुसाफिर गवाही देगा कि तुम खड़े थे। शहर का सूरज
कि कोई जुगनू बचा नहीं है तो तुम खड़े थे तुम्हारी आंखों की ताकतों में जलती रोशनी ने नई मंजिल हमें दिखाई। तुम्हारे भाई, तुम्हारे बेटे, तुम्हारी बहनें, तुम्हारी माएं, तुम्हारी मिट्टी का जर्रा जर्रा गवाही देगा कि तुम खड़े थे। हमारी धरती के जिस्म से जब हवस के मारे सियाह जोगों की तरह चिमटे हुए थे तो तुम खड़े थे। तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारी हिम्मत और इस्तकामत तो वो हिमालय है जिसकी चोटी तक पहुंचना ना पहले बस में रहा किसी के, ना आने वाले दिनों में होगा। सो आने वाली तमाम नस्लें गवाही देगी कि तुम खड़े थे। हमारी लड़ाई इन तीन काले कानूनों के साथ साथ सत्ता, बिकाऊ मीडिया, ढेरों गलत जानकारियां और हाड़ पिघलाती सर्दी से भी है। घर परिवार, खेत खलियान, पशुओं से दूर रहकर भी किसान इस मुश्किल घड़ी में यहाँ पर डटा हुआ है। मैं देश की आह्वान से आह्वान करती हूँ कि आप अपने देश के किसानों को बदनाम न करें, उनका साथ दें। या दोनों के हक की लड़ाई है, मिलकर सांझी लड़ाई लड़ें। मैं आखिरी बात सत्ता से कहना चाहूंगी कि मत छेड़ किसान को, लड़ना मुश्किल होगा वरना ऐसा लिखेंगे इतिहास कि पढ़ना मुश्किल होगा।